नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट होता है। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इंडिया पोस्ट वाले तो आता नहीं है, फेक वीडियो है, ये सब रॉन्ग वीडियो है, ऐसा कमेंट आता है। तो भाई आज जो है आप आँख खोल कर इस वीडियो को देख लीजिए किस तरीके से इंडिया पोस्ट वाले जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं और कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं तो कोई पोस्ट वाला नहीं हूँ, इंडिया पोस्ट से मैं नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने इंडिया पोस्ट वाला एक डाकिया आया था उससे मैंने इस वीडियो को लिया था और आपको बताने के लिए, ताकि आप लोग समझेंगे और आपके विलेज में या आपके शहर में डाक वाले नहीं आते हैं तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि वो उसका गलती है, ठीक है। लेकिन 100% आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसको 40 रुपया का कमीशन मिलता है और 10-20 रुपया आपसे लिया जा लेता है कमीशन, तो टोटल जो है लगभग 70-80 रुपया मिल जाता है उसको, बेनिफिट होता है, ठीक है। और कुछ डाक ऐसे हैं जिनको ये चीज़ पता ही नहीं होता है, जो कि ओल्ड टाइप का होता है, जैसे कि मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो उन लोग जो है नहीं आ पाते। लेकिन जो नए वाले लड़का लोग डाक पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन हुआ है तो वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस सब पे ध्यान देते हैं और पैसे कमाने का वो सबको जो है एक चांस मिलता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है आधार से मोबाइल मतलब अपडेट होता है। तो इसमें जो है आपको फिंगर की भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, और नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो कोई ओल्ड नंबर अपडेट था वो नंबर खो गया है तो भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये रियलिटी है कि इंडिया पोस्ट वाले अभी भी आते हैं और मोबाइल नंबर अपडेट होता है, उसके बाद बच्चे का भी आधार बनता है। तो वो हम दूसरा पार्ट टू में बताएंगे कि बच्चे का आधार इंडिया पोस्ट वाले कैसे बनाते हैं, जैसे कि बाल आधार हम बोलते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, पार्ट टू में बता देंगे। अभी आपको बताते हैं कि इंडिया पोस्ट वाले जब घर पे आते हैं तो कैसे आपका मोबाइल नंबर अपडेट होता है वो आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। इस वीडियो को आप एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए एक ऐप आता है, चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट क्लाइंट ऐप आता है, जो कि कस्टमर जो भी होता है GDS और कर्मचारी होता है पोस्ट ऑफिस का कस्टमर, उनको मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है और उसका ID पासपोर्ट दिया जाता है, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता है। ये आम आदमी को नहीं मिलता है, जो भी पोस्ट ऑफिस होता है उसी को मिलता है, ठीक है। तो लॉगिन करता है तो इस तरीके का इंटरफेस उसको देखने को मिलता है और यहाँ पे मोबाइल अपडेट का ऑप्शन है और इन्वॉल्वमेंट का भी बच्चे का बनाने का, लेकिन अभी हम बताएंगे मोबाइल अपडेट का, ठीक है। तो मोबाइल अपडेट वाले पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको कैप्चा देना है, यहाँ पे 1850 कैप्चा कोड है तो इस तरीके से कैप्चा देते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल नंबर जुड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे 24 घंटा में जुड़ जाता है मोबाइल नंबर देने के बाद। जेनेट OTP वाले पे क्लिक करता है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है जो कर्मचारी होता है उसका फिंगर लगता है और आधार नंबर यहाँ पे दिया जाता है उसका, जो कस्टमर होता है जिसका मोबाइल आधार में मोबाइल अपडेट करना है उसका आधार नंबर। उसके बाद एक OTP आता है मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID अगर जोड़ना है तो ईमेल ID पे OTP आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार नंबर दे दिए हैं और OTP आएगा आपके नंबर पे, तो OTP इसमें देना है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर OTP आएगा और OTP यहाँ पर भरना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए आधार नंबर हम दे दिए हैं, इस तरीके से आधार नंबर हम इंटर किए, उसके बाद यहाँ पर टर्न वाले ऑप्शन है, ठीक है, ये डन वाले पे क्लिक किया, उसके बाद OTP आएगा तो OTP यहाँ पे आएगा 6 डिजिट का और डन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा, अगर ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं या कुछ भी लिख दे देता है, ठीक है। अब देखिए नीचे मिलेगा आपको ऑटोमेटिक लोकेशन वगैरह जो ले लेता है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है इसको। उसके बाद नीचे इसको मिलता है अपडेट का, तो डायरेक्टली अपडेट वाले पे क्लिक करता है, मोबाइल नंबर अपडेट होता है। तो पोस्ट ऑफिस वाला इसी तरीके से मोबाइल नंबर अपडेट करता है दोस्तों, आप लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस वाला